महिला विकास स्वयं रोजगार बहुद्देश्य संस्था द्वारा जैताला में नागपुर मेगा ट्रेड फेयर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट शॉपिंग एक्सपो एंड अम्यूजमेंट पार्क का आयोजन किया गया, जिसका जायजा लिया एन बी सी एन की टीम ने। तो आइए डालते एक नजर। लॉकडाउन के चलते पिछले कुछ महीनों से सारे कारोबार ठप पड़े हैं, जिसके चलते रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिला विकास स्वयं रोजगार बहुद्देशीय संस्था द्वारा जैताला में नागपुर मेगा ट्रेड फेयर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट शॉपिंग एक्सपो एंड अम्यूजमेंट पार्क का आयोजन किया गया, जिसके चलते छोटे दुकानदारों को फायदा मिल रहा है। वही लॉकडाउन के कारण बहुत महीने से लोग घरों में है, जिसके कारण उन्हें बोरियत हो रही है। इस बोरियत का निवारण करने के लिए यह एक्सपो एक बहुत अच्छा माध्यम हो गया है, ऐसा खुद ग्राहकों का कहना है। इस एक्सपो में किस तरीके से सारी चीजों का आयोजन किया गया है, उसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। शहर के जैताला परिसर में महिला विकास स्वयं रोजगार बहुद्देश्य संस्था की ओर से हैंडलूम एंड अम्यूजमेंट पार्क का एग्जीबिशन लगाया गया है। तो हम जानते हैं कि इस महिला विकास बहुद्देश्य संस्था की ओर से जो आज हैंडलूम क्राफ्ट का एग्जीबिशन लगाया गया है, कौन से स्टॉल्स इसमें हैं, क्या क्या इसमें बेचने के लिए रखा गया है, बच्चों के लिए कौन से अम्यूजमेंट पार्क में कौन से जो गेम्स है वो हम देखेंगे और जानेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो आइए, तो इस मेले में प्रवेश करते ही पहला स्टॉल जो हमें दिखाई दिया स्वयं रोजगार के नाम से, यहाँ पे जो है हम देख पा रहे हैं कि विविध तरीके की अगरबत्तियाँ जो है दिखाई दे रही है स्टॉल पे। उन्हीं से जानते हैं कि कौन सी अगरबत्तियाँ स्टॉल पे है, क्या बताओगे? हमारे स्टॉल पे दो प्रकार की अगरबत्तियाँ है, एक मंगलम करके है, एक वास्तु शांति करके है, और धूप अगरबत्ती भी है वास्तु शांति, और मच्छर वाली जो मोर्टिन होती है वो भी हमारे स्टॉल पे है, अवेलेबल है। 15 तारीख से शुरू है मैडम यहाँ पे स्टॉल। कैसा प्रतिसाद मिल रहा है लोगों को? ठीक ठाक है, रिस्पांस अच्छा है, अच्छा लग रहा है, लोग आते हैं जाते हैं देखते हैं बात करते हैं हमसे, अच्छा लगता है। तो हमने देखा कि पहला स्टॉल था स्वयं रोजगार के नाम से और यहाँ पे विविध तरीके की अगरबत्तियाँ यहाँ दिखाई दी। पिछले 15 तारीख से जो है यहाँ पर ये जो एग्जीबिशन लगा है और इन्होंने भी यहाँ पहली बार ये स्टॉल लगाया, फर्स्ट टाइम जो है शहर के इस परिसर में ये एग्जीबिशन होने से यहाँ के लोगों में भी काफ़ी उत्सुकता दिखाई देती है। तो इस एग्जीबिशन में और भी स्टॉल है, हम देखते हैं और जानते हैं कौन से स्टॉल्स यहाँ पे हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हमें देखने मिलती है, चलिए आइए। तो अभी हम दूसरे स्टॉल पे आए, यहाँ पे जो है यहाँ पे हमें क्लॉथ्स दिख रहे हैं, उनसे जानते हैं कि कितने दिन हो गए यहाँ पे स्टॉल लगाया एग्जीबिशन में और किस तरह का प्रतिसाद आपको मिल रहा है, क्या बताओगे? 10 डेज हो गए इसमें हमारे को यहाँ पे, 10 दिन से हम स्टॉल लगा रहे हैं और यहाँ पे रिस्पांस भी अच्छा है, बेटर है। मिनिमम कम से कम 500 से 600 लोग रोज पर डे आते हैं और रिस्पांस भी अच्छा है हमारा और बेटर है, यानी मार्केटिंग के हिसाब से या कस्टमर के हिसाब से बहुत अच्छा रिस्पांस है। हमारी बैंगल्स की दुकान है, बैंगल्स में अच्छा रिस्पांस मिला हमारे को, कपड़े में अच्छा रिस्पांस मिला है, या अदरवाइज इधर बाजू में ये अपना पिक का है ये जो भी है समथिंग, ये सामने में सेल है, उधर तो अदरवाइज झूले लगे हुए प्लॉट्स का है और सोफा सेट का है, अच्छा रिस्पांस है, बेटर है। ये जगह पे देखो हमारा भी एक पहला ये रिस्पांस था ये, लेकिन हमको यानी अच्छा लगा है, यानी कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई कुछ भी नहीं प्रॉब्लम, सब जन लेके चल रहे एक मेक को और कैसा है रिस्पांस भी अच्छा है। जैसे कि हमने देखा कि दूसरा जो स्टॉल है यहाँ पे बैंगल्स और ये क्लॉथ दिख रहे हैं और ये जो पहली बार इस परिसर में होने से मतलब जो दुकानदार है उनमें भी अच्छा लग रहा है कि ऐसा रिस्पांस यहाँ अच्छा मिल रहा है। और चलिए आइए जायज़ा लेते हैं दूसरे स्टॉल्स का। अभी फ़िलहाल हम एक स्टॉल पर है वंदना गृह उद्योग, अभी हम एक स्टॉल पे है वंदना गृह उद्योग के नाम से, वो स्टॉल है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अचार है, चटनी है, ऐसे विविध प्रकार की जो चीज़ें रहती है वो इसका ये स्टॉल है, साथ ही लेडीज़ गारमेंट्स भी है। उन्हीं से जानते हैं और बात करते हैं कैसा लग रहा है यहाँ पे आपका स्टॉल लगा है। मेरा फर्स्ट टाइम है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जैसे कोई घर में बनाए उद्योग जो लेते हैं, जैसे कोई कंपनी का है लेने के लिए थोड़ी हिचकिचाते हैं, लेकिन जो घर में बनाते हैं वो ले लेते हैं। हाँ, प्रतिसाद तो अच्छा है, जैसे 26 जनवरी और संडे को बहुत सारे लोग रहते हैं और भीड़ रहती है,
तभी हमारा धंधा हो पाता है, नहीं तो अदरवाइज तो ऐसे ही होता है। जैसे कि उन्होंने बताया कि संडे जो हॉलीडे रहता है उस टाइम ज़्यादा ग्राहक जो है, ज़्यादा भीड़ जो है यहाँ पे लोगों की होती है, जिससे इनका बिजनेस भी अच्छे तरीके से होता है। तो दूसरे स्टॉल से उनका भी जायजा लेंगे, चलिए आइए। नमस्कार, हे जयतायाला भरलेलं एक प्रदर्शन आहे आणि हे प्रदर्शन आम्हाला खूप आवडलं। त्याचं कारण हे आहे की त्यात जी खेळणी आहेत ती खेळणी आजकाल शहरातल्या मुलांना काही फारशी खेळायला मिळत नाहीत। फार आम्ही लहान असताना किंवा लहानपणी ही खेळणी बरीच पाहिलीत, पण हल्ली ही खेळणी फारशी दिसत नाहीत। आणि सर्वसाधारण ज्यांची आर्थिक परिस्थिती आहे किंवा निम्न आर्थिक परिस्थितीतली जी लहान मुलं आहेत त्यांना खेळायला म्हणून हे या ठिकाणी उपलब्ध करून दिलेलं जे प्रदर्शन आहे ते त्या दृष्टीने फार छान आहे। और बीसीएन में तो हम डेली अपडेट करते रहते फेसबुक में, या अभी आका जुलाई में हम लोग बैठे थे उसमें भी थोड़ा मज़ा आया, लेकिन इसके जो पीछे में जो है इसमें ज़्यादा मज़ा आया हमको। और बहुत खूबसूरत और बस्ती में है तो बहुत ही अच्छा लगा है, हम पूरे परिवार के साथ हम एंजॉय करने आए हैं। खूब अच्छा चल रहा है यहाँ पे आइसक्रीम का स्टॉल, सब फ्लेवर की आइसक्रीम है यहाँ पे, और साल में एक साल में यहाँ पे एक ग्राउंड में लगना चाहिए ऐसा हमारा कहना है, और सब अच्छा चल रहा है। परिसर में मेला चालू हुआ है 15 तारीख से, 10-12 दिन हो गए हैं, अच्छा लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है, ये ऐसा ही होना चाहिए, अच्छा लग रहा है। हमने पूरे मेले का जायज़ा लिया, जैसे कि हमने देखा हर तरह के स्टॉल यहाँ पे लगे हुए, फूड के भी स्टॉल है, वैसे ही विविध चीज़ों के यहाँ स्टॉल लगे, साथ ही यहाँ पर बच्चे जो है बहुत ही एंजॉय करते हुए भी दिखे हैं। साथ ही लोगों का यहाँ के कहना है कि हर साल में एक बार तो भी इस मेले का आयोजन इस परिसर में होना चाहिए। तो इस तरह से इस मेले का जायज़ा हमने लिया। फिलहाल यही रुकते हैं, कैमरा पर्सन माइकल के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।